गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अरविंद कुमार अगेन विद यू। लेट्स मूव टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर क्लासिंग्स साइंस एनसीईआरटी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। तो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स? व्हाट्स द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स मींस हमारा जो फूड है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, दैट विल कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। What is in first paragraph? ये कह रहा है chapter 1 we made list of food items that we eat। chapter 1 में हमने list बनाया था अपने खाने का। we also identified food items eaten in different parts of India। और हमने देखा था वो जो इंडिया के अलग अलग जगह पर जो खाना खाया जाता है उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। activity number 1 में इसमें क्या दे रखा है, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो खाना होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जो ग्रेन से मिलके बना है। ग्रेन्स मतलब कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या हमारे ग्रेन्स हैं। अदर आइटम्स कुड बी दाल और फिश और मीट, वेजिटेबल्स, और दूसरा आइटम हमारा कुछ भी हो सकता है, कर्ड बटर, पिकल्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें दे रखा है जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो फूड आइटम्स हैं वो क्या चीज़ कंटेन करते हैं, हमारा फूड आइटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें दे रखा है जो हमारा इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो हमारा फूड में जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसके साथ साथ हमारे खाने में डायट्री फाइबर्स एंड वाटर भी होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते हैं लेकिन हमारी बॉडी के और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो डायट्री फाइबर्स है ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट फूड है उसको निकालने में मदद करता है। और वाटर क्या है, जो मिनरल्स, जो विटामिन्स, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में हैं उनको हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, उसके लिए फूड के साथ साथ वाटर होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या हर खाने में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, सभी खानों में ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारे नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि हम कैसे पता चलेगा कि किस फूड में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किसी फूड में, किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, प्रोटीन्स हैं या नहीं है, फैट्स हैं या नहीं है, विटामिन्स हैं या मिनरल्स, अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। तो लेट्स मूव, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम अब टेस्ट करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली टू फॉर्म्स में हमारे खाने में होता है, एक तो स्टार्च की फॉर्म में और एक शुगर की फॉर्म में, या तो स्टार्च की फॉर्म में होगा या शुगर की फॉर्म में होगा। तो इन सब चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स एंड मिनरल्स को चेक करने के लिए हम तीन तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे। जो ये येलो आपको ये दिख रहा है, येलो विंडो से दिख रही है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, आयोडीन मतलब कि नमक, डाइल्यूट मतलब उसे पानी मिला देना। तो अगर हम पानी में आयोडीन मिला देंगे तो वो क्या होगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होगा। ठीक है, ये हमारा पहला बनाना है। सेकंड हमें बनवाना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का पाउडर हमें मार्केट में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, उसे 2 ग्राम लेना है और 100 मिलीलीटर वाटर में उसे डालना है, तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। 10 ग्राम हमें, थर्ड वाले पे चलते हैं, 10 ग्राम हमें कॉस्टिक सोडा लेना है, ये भी इसका भी पाउडर मिल जाएगा मार्केट में, और 100 मिलीलीटर वाटर में मिला लेना है,
तो ये हमारा कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमें टेस्ट ऑफ स्टार्च कैसे करना है, तो हमें जो भी हमारा खाना है, उस खाने को जैसे या तो हमें बना हुआ खाना ले लेना है, या फिर हमें जो कच्चा फ्रूट है, मान लो हमें आलू का कुछ खाना है हमें, तो या तो आलू के सब्जी का कुछ पार्ट ले लीजिए, या फिर आलू ही हम ले लेते हैं कच्चा आलू। तो यहाँ पे इस इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, इन लोगों ने क्या कच्चा आलू लिया है और एक आयोडीन सॉल्यूशन लिया है। आयोडीन सॉल्यूशन को इन्होंने क्या करा है, आलू के ऊपर, कटे हुए आलू के ऊपर इन्होंने कुछ आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप डाला है। अगर हमारे आलू का कलर, जहाँ पे भी ड्रॉप डला है, अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया स्टार्च, एक्चुअली है क्या हमारा, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च और शुगर क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ में स्टार्च पाया जाता है, तो मतलब उस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो इसमें है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या है, जो भी फूड आइटम है उसे छोटी ही क्वांटिटी में लेना है। अगर वो सॉलिड है, मान लो हमारा खाना कोई सॉलिड है, ठीक है, मतलब वो पानी नहीं है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म को हम क्या है, कूटेंगे, पेस्ट बनाएंगे उसका, या फिर उसका पाउडर बन सकता है तो पाउडर बनाएंगे, और उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, और उसमें हम क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप वाटर का डालेंगे, 10 ड्रॉप उसमें पानी डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें दो सॉल्यूशन बनाने हैं, एक तो हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है और एक कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन हमें बनाना है। तो वो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन हमें कैसे बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फूड हमने क्रश करके टेस्ट ट्यूब में डाला था, उसमें 2 ड्रॉप तो हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का और 10 ड्रॉप हम डालेंगे कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन का। ठीक है, अगर उसके बाद हमारा खाना, अगर हमारे खाने का कलर वॉयलेट हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्या करा, अपने फूड को प्रोटीन का चेक करने के लिए हमने क्या करा, अपने फूड का पेस्ट बनाया, पेस्ट में 10 ड्रॉप वाटर डाल लिया, उसके बाद कॉपर सल्फेट डाला, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 2 ड्रॉप डाला है और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन हमने 10 ड्रॉप डाला है। उसके बाद उसे अच्छे से शेक करेंगे और शेक करने के बाद देखेंगे, अगर हमारे फूड का कलर चेंज होकर वॉयलेट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा आता है टेस्ट ऑफ फैट्स। तो हमें अगर किसी खाने में चेक करना है कि फैट्स हमारा उसमें है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे, सिंपली हमें क्या लेना है, उस फूड को लेना है और किसी पेपर में उसे क्या है, अच्छे से स्क्वीज करके पकड़ना है और फिर छोड़ना है, फिर देखना है उस पेपर को, देखेंगे आप थोड़ा बहुत गीला होगा, ठीक है, तो मे भी हो सकता है पानी की वजह से गीला हुआ हो, तो उसे थोड़ी देर सूखने देंगे, उसके बाद हम देखेंगे उस पर ऑयली पैचेज अगर आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत मतलब कि दिख रहा है आर पार, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये ऑयली पैचेज है, और अगर किसी खाने में से ऐसे ऑयली पैचेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें फैट्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट्स का टेस्ट। ठीक है, तो यही टेस्ट दे रखे हैं आपके इस बुक में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो ये डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस करा था, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं ये जानते हैं। फैट्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो हमारे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या है, एनर्जी रिच फूड हैं। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलता है, फैट्स से भी हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो जिन खानों में भी कार्बोहाइड्रेट और ये जो फैट्स हैं ये हमारे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिसमें भी हमारा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उन्हें हम कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड।
तो यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे रखे हैं, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलता है वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस एंड वीट, ये हो गए हमारे जिन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये हैं जिन चीज़ों से हमें फैट्स मिलता है। सबसे ऊपर जो दिखा रखे हैं वो हैं प्लांट सोर्सेज, मतलब प्लांट की वो चीज़ जिनसे हमें फैट मिलता है, तो वो है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तिल, नट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया। तो इन सभी चीज़ें, ये वो सब चीज़ें जो हमें प्लांटों से मिलती हैं और जिनमें फैट होता है। अब ऐसी चीज़ों पे चलते हैं जो जानवरों से हमें मिलती हैं और जिनके अंदर हमारा फैट होता है। तो ये हो गया फिश, हो गया हमारा मीट, हो गया घी, हो गया मिल्क, हो गया बटर, हो गया क्रीम, हो गया एग्स, हो गए। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स ने दिया है और जिनके अंदर फैट प्रजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ सोर्सेज दे रखे हैं प्रोटीन के, प्रोटीन के कुछ सोर्सेज दे रखे हैं। जो ऊपर वाले हैं ये वो सोर्सेज हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इनमें सबसे पहले है ग्राम, जो हमारा चना है उसके अंदर, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोया बीन्स, पीज। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें ट्रीज से मिलते हैं और जिनके अंदर प्रोटीन अच्छा खासा होता है। और सेकंड में है वो सब चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलता है और जिनमें प्रोटीन प्रजेंट होता है। तो वो सब चीज़ें फिश है, मीट है, मिल्क है, एग है और हमारा पनीर है। तो इन सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है और इनके अंदर प्रोटीन प्रजेंट है। अब दे रखा है यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ये क्या है, प्रोटीन्स क्या है, हमारी बॉडी को क्या है, बिल्डअप करता है, मतलब मसल्स गेनिंग। जैसे जो लोग जिमों में जाते हैं, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, तो वो क्या प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं। वो ड्राई फॉर्म में होता है प्रोटीन, उसको फिर वो मिल्क वगैरह के साथ खा लेते हैं, तो वो पाउडर खाते हैं डायरेक्ट प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो क्या है, मसल्स बिल्डअप करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जिनमें भी हमारा प्रोटीन होता है वो हमारा बॉडी बिल्ड करते हैं। जो विटामिन्स हैं, आगे देखिए, विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को डिजीजेस से क्या प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड कम्स हेल्दी। ये सब हमारी आइज को, बोन्स को, टीथ को एंड कम्स को भी हेल्दी रखते हैं। तो विटामिन्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऐसे भी नाम हैं विटामिन्स के। तो ये है, अब आते हैं विटामिन ए क्या करता है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी, ये हमारी स्किन को और आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने का ताकत देता है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम, ये कैल्शियम को यूज़ करने में मदद करता है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत रह सकें। फूड जो हमारे विटामिन्स में रिच होते हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये सबसे ऊपर दे रखा है जो जिन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है, जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, इन सब चीज़ों में हमारा विटामिन ए अच्छा पाया जाता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी हमें किन से मिलता है, वीट से मिलता है, राइस से मिलता है और लीवर, यहाँ पे मीट दे रखा है यहाँ पे। एंड विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, वो मिलता है हमें गवावा से, ग्रीन चिली से, लेमन से, आंवला से, टमाटो से, ऑरेंज से। तो विटामिन सी हमें जनरली उनसे मिलता है जो चीज़ खट्टी होती हैं, सिट्रिक फ्रूट से हमें विटामिन सी मिलता है। एंड विटामिन डी, विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, ये हो गया हमारा मीट हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, एग हो गया एंड फिश हो गया। तो ये हमारे विटामिन डी के सोर्सेज हैं। तो हमने देख लिया हमारे विटामिन किन किस चीज़ों से मिलते हैं। तो विटामिन्स के बाद हम चलते हैं मिनरल्स में। तो मिनरल्स के बारे में लिखा हुआ है कि मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, और ये जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आयरन हो गया,
ठीक है, आयोडीन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। उसके बाद चलते हैं, मिनरल्स के बाद आता है डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। जो हमारी बॉडी को फूड के अलावा जो हमें चाहिए वो है डाइट्री फाइबर्स, जो हमारे खाने में भी प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं फूड के, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। तो डाइट्री फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं हम डाइट्री फाइबर को, हम रफेज भी बोलते हैं। तो रफेज जो मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि जितने सारे भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, जितने भी हमारे अनाज या दालें होती हैं, पटेटो हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उन सभी में क्या होता है, रफेज होता है। रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो याद रखना है, रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये हमारे खाने का एक एसेंशियल कंपोनेंट है और ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हमारे पेट में पच नहीं रहा है, उसे बॉडी से बाहर निकालने में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स दे रखे हैं जो हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन्स के सोर्सेज हमें दे रखे हैं, जिंजर दे रखा है, पालक दे रखा है, एंड यहाँ पे फिशेज दे रखी हैं, और ये हमें क्रीम दे रखा है। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, ये जो आयोडीन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब चीज़ें क्या है, मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी के लिए। तो फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या हैं, मिल्क है हमारा, बनाना है, राइस है, चिली है, व्हीट है। एंड सम सोर्सेस ऑफ आयरन क्या है हमारा, एप्पल है, ये पालक है, मीट है, एंड ये नाशपाती है। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम क्या है, मिल्क है एंड एग है। तो ये सब हमारे सोर्सेस हैं कैल्शियम के। तो ये हमारा हुआ मिनरल्स का। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अब जो मेन इम्पोर्टेंट है वाटर। अब हमने डाइट्री फाइबर के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, तो वाटर का क्या रोल है। तो वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट, ये वेस्ट बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी यूज़ करता है। वो वेस्ट हम यूरिन से निकाल सकते हैं, स्वेट से निकाल सकते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। तो हम पानी जो है वाटर, मिल्क या टी से हमें मिलता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और ज़्यादातर हम खाने में भी अपना जो वाटर हम डालते हैं तो वहाँ से भी हमें पानी मिलता है। तो बैलेंस डाइट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसके अंदर हर चीज़ क्या है, एक राइट क्वांटिटी में हो, सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में हो, उसमें कोई भी चीज़ हमारा ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ऐसी डाइट को जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में हो, रफेज हमारा सफिशिएंट अमाउंट में हो, वाटर हमारा सफिशिएंट अमाउंट में हो, ऐसी डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहेली को कुछ क्वेश्चन आया है, क्या पूछ रहा है पहेली। पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट एंड डू दे आल्सो नीड ए बैलेंस डाइट। यस डेफिनेटली, उनके खाने में भी ये अलग अलग टाइप का चीज़ें होता है और उन्हें भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो ये दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि कुकिंग, और जब हम खाना प्रिपेयर करते हैं, जब हम कुक करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा खाना कुक करने की वजह से, खाना उबालने की वजह से, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। और जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करने के बाद या छीलने के बाद उन्हें धुलते हैं, तो उससे भी हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है।
और जब ये विटामिन्स अगर हमारे मान लो विटामिन्स हमारे खाने से लॉस्ट हो गए हैं, तो इसकी भरपाई के लिए हम लोग क्या रखते हैं, इसकी भरपाई के लिए हम लोग सलाद वगैरह अपने खाने में ऐड करते हैं, ताकि जो भी हमारे मिनरल्स या फिर विटामिन्स लॉस्ट हुए हैं वो सब हमारे मिल सकें हमें वापस। ओके, जो विटामिन सी है वो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉयड हो जाता है कुकिंग, मतलब कुक करते वक्त वो बहुत आसानी से, मतलब थोड़े से ही टेम्परेचर आने पे वो क्या है, ख़त्म हो जाता है हमारा जो विटामिन सी है। अब ये आता है कि जैसे ये बूजो है, बूजो यहाँ पे कुछ खाने का हैबिट के बारे में कहता है कि जैसे फैट्स जो है, इसने बोला है कि जो फैट्स है उनसे हमें एनर्जी मिलता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है, तो क्यों ना हम जो फैट वाला चीज़ें हैं दिन रात उन्हें खाएं, जैसे जिसमें समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया, क्यों ना हम ऐसी चीज़ें खाएं जो मेरी बॉडी को एनर्जी दें और ताकत दें। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों में क्या है, फैट जो है रिच अमाउंट में होता है, और अगर हम फैट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमें मोटापा यानी कि ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है, तो हमें क्या है, ओबेसिटी हो सकता है। तो ये क्या है, फैट को ज़्यादा खा लिया तो हमें क्या है, ओबेसिटी हो सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ की कमी हो, डेफिशिएंसी मतलब कमी, कमी के कारण क्या हो रहा है, हमें बीमारी हो रही है, तो किसी चीज़ की कमी के कारण, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो कहलाती हैं हमारी डेफिशिएंसी डिसीज़। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिजीज़ दे रखा है हमें, जैसे यहाँ पे दे रखा है मिनरल और विटामिन, इस साइड में हमें दे रखे हैं लेफ्ट साइड में, ये है जो डेफिशिएंसी या फिर जो डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होता है उसका नाम, जो बीमारी है उसका नाम क्या है वो, और सिम्टम्स, जो उसके सिम्टम्स, मतलब अगर ये बीमारी हो गया तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन यानी कि हमें देखने में प्रॉब्लम आएगा, इसके सिम्टम क्या है, पुअर विजन, पुअर पुअर मतलब कमज़ोर विजन, मतलब देखना, तो मतलब देखना हमारा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, और अंधेरे में हमें देखने में मुश्किलें होंगी, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और विटामिन ए से कभी कभी क्या हो सकता है, विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, तो यहाँ पे याद करने के लिए बी है, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी। ओके फ्रेंड्स, ये आसान होगा याद करने में, विटामिन बी वन बेरी बेरी, तो इससे क्या होगा, हमारा मसल्स जो हैं, जो हमारी जो मसल्स हैं, जो बॉडी है, वो क्या है, हमारा कमज़ोर हो जाएगा और हमारे पास काम करने के लिए ताकत नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, स्कर्वी एक बीमारी होती है जिसमें हमारे मसूड़ों से खून आता है, तो ब्रीडिंग कम्स, और जो भी वाउंड्स हैं, कहीं पे चोट लग गया हमारी बॉडी में, तो उन्हें हील मतलब ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो ये ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें मसूड़े से गम आए या फिर हमारे शरीर में चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगे, तो वो है स्कर्वी, और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। तो एंड नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है हमें रिकेट्स, जिसमें हमारी जो बोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती हैं और जो आराम से टूट जाती हैं, बहुत कमज़ोर बोल सकते हैं, जिससे कि अगर मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपके अंदर विटामिन डी की कमी है और आपका पाँव किसी से टकरा गया है, तो ये डेफिनेटली आपका पाँव का हड्डी जो है ब्रोक हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, तो हमारा कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, हमारा जो बोन्स हैं और जो टूथ है उनका डिके, मतलब उनका ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, वीक बोन्स होती हैं और जो हमारे टूथ में डिके, मतलब जो हम बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, वो सब बीमारी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है आयोडीन, ये क्या है, हमारा मिनरल है, ठीक है, अब हम आ गए हैं विटामिन से मिनरल पे, तो मिनरल आयोडीन की कमी से हमें क्या होगा, गोइटर। गोइटर क्या होता है, जो आपने देखा होगा गले में किसी किसी के मोटा हो जाता है काफ़ी, वो होते हैं जो हमारे गले का ग्लैंड्स हैं, वो क्या है, सूज जाता है आयोडीन की कमी से, और उसे बोलते हैं गोइटर हो गया इसे, या फिर बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि दिमागी बीमारी बच्चों में हो जाती है अगर आयोडीन उन्हें हम सफिशेंट अमाउंट में नहीं दे रहे हैं। तो आयरन की कमी से एनामी, एनामिया,
एनामिया हो जाता है, और जिसकी वजह से इसे जनरली लेडीज़ में होता है ये, और इसके कारण काफ़ी वीकनेस रहती है शरीर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कीवर्ड्स हैं, बैलेंस डाइट हमें पता है, जिस खाने में हमारा हर चीज़ बराबर हो, न्यूट्रिएंट्स से लेके हमारा डाइट्री फाइबर्स और वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में हो, वो क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, मतलब जो फूड जिनमें एनर्जी होता है उनमें ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली दो फॉर्म में हमारे खाने में पाया जाता है, एक तो स्टार्च और दूसरा शुगर के फॉर्म में। एनर्जी, एनर्जी क्या है हमें, एनर्जी तो आप सब लोग जानते हैं, ताकत, फैट्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह तो नहीं होता, मतलब एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। मिनरल्स जैसे आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन। न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। रफेज हो गया जो हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे निकालने में हमारा मदद करता है। स्कर्वी जिसमें हमारे मसूड़ों से खून आता है। स्टार्च क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। और विटामिन क्या होते हैं, हमारे अभी अभी पढ़ा हमने विटामिन A, B, C, जिनकी बीमारियों के बारे में अभी हम देख रहे थे। तो यहाँ पे समरी में कुछ दे रखा है फ्रेंड्स, इसे भी देख लेते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अलावा हमारे खाने में क्या होते हैं, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर, हमने देख लिया है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है ये क्या है, हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, तो ये हमारा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस देते हैं हमारी बॉडी को। विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ के खिलाफ। बैलेंस डाइट जिसमें सब चीज़ बैलेंस हो, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना किसी चीज़ का। तो यहाँ तक हमने देख लिया फ्रेंड्स, और अब हम शॉर्ट नोट्स देखते हैं एक बार इस चैप्टर के। ये हैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। ये है एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और उन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जो हमारी बॉडी को, जो हमारे खाने में जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, प्लस इसके अलावा हमारे फूड में क्या होता है, डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड, फूड में हमें अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो कैसे करना है, स्टार्च एंड शुगर मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे खाने में। स्टार्च के लिए सबसे पहले टेस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायलूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन लेना है। डायलूट सोल्यूशन का क्या मतलब है, आयोडीन प्लस वाटर। आयोडीन प्लस वाटर को उसमें हम अपना रॉ मटेरियल मतलब रॉ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि रॉ मतलब होता है कच्चा इंग्रेडिएंट्स में हम आयोडीन डालेंगे। अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लू या ब्लैक हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च, मतलब कि उस खाने में क्या है, अगर हमारे खाने का कलर ब्लू ब्लैक हो जा रहा है तो उसमें क्या है, स्टार्च है। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्च का टेस्ट फ्रेंड। अब आता है हमारा टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। टेस्ट ऑफ प्रोटीन में हमारा स्टेप 1 क्या है, फूड का हमें क्या बनाना है, पेस्ट बनाना है, पाउडर बनाना है, उसे किसी टेस्ट ट्यूब में हमें डाल लेना है, टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। उसमें क्या करना है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप पानी का डालना है, उसके बाद उसे शेक करना है। उसके बाद क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट हमें 100 मिलीलीटर वाटर में डालना है और उसे शेक करना है, उसके बाद हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। थर्ड है हमारा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है उसे हमें, और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिला लेना है और उसे शेक कर देना है। उसके बाद ये 3 स्टेप होने के बाद हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया है उसका 2 ड्रॉप लेना है, और कॉस्टिक सोडा का हमें 10 ड्रॉप लेना है, और इसको हमें डाल देना है जो हमारा फूड पेस्ट जो स्टेप 1 में हमारा बना था उसके अंदर। अगर उस फूड पेस्ट में इसे डालने के बाद हम शेक करेंगे, अगर उसका वॉयलेट कलर हो जाता है तो ये क्या करता है हमारा, कि हमारे खाने में क्या है, प्रोटीन है। और टेस्ट ऑफ फैट्स क्या है, कि हमें अपने खाने को रैप करना है किसी पेपर में, उसे क्रश करना है, उसके बाद उसे देखना है, उसमें अगर ऑयली पैचेज हैं
अगर ऑयली पैचेज उसके अंदर हैं, मतलब कि हमारे खाने में फैट है। ओके फ्रेंड, अगला है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं। तो इनमें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फूड जिसमें हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को क्या देते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को क्या देते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर देते हैं, ठीक है। ग्रोथ मतलब हमारी बॉडी का हाइट, वेट, लेंथ, ये सब हमें किससे मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। और हमारी बॉडी अगर कहीं टूट फूट जाती है तो ये भी कहीं से छिल गया है, कट गया है, तो ये भी कौन रिपेयर करता है, प्रोटीन ही हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। तो प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। विटामिन्स का क्या काम है, विटामिन्स क्या है, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, कीप्स अवर आइज बोन्स टीथ एंड कम्स हेल्दी रखते हैं। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी क्या करता है, हमारा फाइट अगेंस्ट डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करता है। और विटामिन डी हमारे बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को यूटिलाइज करने में बोन्स और दांतों के लिए। मिनरल्स फॉर हमारी बॉडी को क्या स्मॉल अमाउंट में चाहिए। उसके बाद दिया है डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज, जिसका नाम रफेज भी है, उसका सोर्स क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलता है, ग्रेन से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। और ये जो इनका काम क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी से गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब हमारी बॉडी को गेट रिड ऑफ मतलब कि किसी चीज़ से फ्री करना, तो ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से फ्री करते हैं। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, तो पानी का ये काम हो गया कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में उनको एब्जॉर्ब करने में ये हमारा हेल्प करता है। ये एक बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी हों, न्यूट्रिएंट्स हमारे राइट क्वांटिटी हों, प्लस गुड अमाउंट ऑफ रफेज हो, प्लस वाटर हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी बैलेंस डाइट, जिसमें ये तीनों चीज़ होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, रफेज होगा और वाटर होगा, वो क्या है, हमारा बैलेंस डाइट है। यहाँ पे दे रखा है जो हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुकिंग और प्रिपरेशन के दौरान निकल जाते हैं, वाशिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के दौरान निकल जाते हैं। विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे कुकिंग के थ्रू, तो यहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या निकल जाते हैं हमारे खाने से। और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारी होती है वो सब हमने देख लिया है। और अगर हम ज़्यादा फैट्स खाते हैं तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, हमें ओबेसिटी होती है। फ्रेंड्स अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज देखते हैं। नेम दी मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, तो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्लस इसके अलावा क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फ्रेंड्स बताओ, अभी हमने डिस्कस करा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ऐसे जो फूड आइटम है जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें कौन सा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है, प्रोटीन एंड विटामिन हमें चाहिए उस चीज़ के लिए। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी हमने देखा था फ्रेंड वो है हमारा विटामिन ए। ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी, तो हमारी हड्डियों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, विटामिन डी। और विटामिन डी हमें अच्छा खासा सनलाइट में मिल जाता है, आप सनलाइट में घूमिए, आपको स्कूल में खेलिए कूदिए, आपको विटामिन डी काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देना है टू फूड ईच रिच इन फैट, में ऐसे खानों के नाम देने हैं, ऐसे फूड के नाम देने हैं जो फैट में, जिनमें फैट अच्छा मिलता हो, स्टार्च अच्छा मिलता हो, डाइटरी फाइबर अच्छा मिलता हो, प्रोटीन अच्छा मिलता हो। अभी हमने बुक में देखा तो वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं ये सब चीज़ें। अगला है हमें करेक्ट टिक करना है इसमें से, बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या अकेले चावल खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो फ्रेंड्स देखो, अगर चावल खाने से हमें सब चीज़ मिल जाती तो सभी लोग चावल खाने लग जाते। तो इसमें पूछ रहा है क्या चावल खाने से मेरी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, कभी नहीं हो सकती, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स है।
सेकंड है डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। हाँ आप बैलेंस डाइट खाइए तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कमी होना, और बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, हर चीज़ प्रॉपर होना, उसमें उसमें किसी चीज़ का कमी नहीं है। जब आप खाने में किसी चीज़ का कमी नहीं रखोगे तो आपको कमी का बीमारी कहाँ से होगा। तो ये हमारा एकदम सही है, यानी कि डेफिशिएंसी जिस चीज़ से बचा जा सकता है अगर मैं एक बैलेंस डाइट लेता हूँ, तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। थर्ड वन चलते हैं, तो बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। ये क्या कह रहा है, जो बैलेंस डाइट है हमारी बॉडी के लिए उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम हो, वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप के फूड आइटम होना चाहिए। यस डेफिनेटली, अगर हमें बैलेंस डाइट खाना है तो हमें अलग अलग टाइप का चीज़ें खाना पड़ेगा। तो ये हमारा सही आंसर है, मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू दी बॉडी। ये बोल रहा है कि अकेला मीट जो है हमारी बॉडी को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, तो ये क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक सिंगल फूड सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग आ जाएगा। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दे रहा है, द डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा बीमारी होता है, आई थिंक रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी की बीमारी, विटामिन डी की कमी से हमें होता है रिकेट्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। तो विटामिन बी वन की कमी से हमें क्या होता है, बेरी बेरी होता है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा विटामिन बी वन। थर्ड वन ही डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है हमें, तो स्कर्वी होता है, जिसमें हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, हमारे गम्स से ब्लड आने लगता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आँखों से रिलेटेड है, इससे रोशनी से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, हमारा विटामिन ए की कमी से। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीटेड, होप यू एंजॉय इट, थैंक यू वेरी मच।